हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात के प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का हम सब धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्त्री प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के दौरान सभी को जीवन मिला है। मेरे प्रियजनों, अनंत काल का जीवन पिता ने हम सभी को दिया है, ये तो हम सभी को पता ही होगा, ठीक है। मेरे प्रियजनों, याद करो, थोमा भालू से वेदा गया था, भारत आया था प्रचार करने। भारत वालों ने थोमा को भालू से वेदा, मेरे प्रियजनों, पतरस को उल्टा लटकाया गया, यूहन्ना को तेल में तला गया। मेरे प्रियजनों, इतना दुख, इतनी पीड़ाएं, जो परमेश्वर के चेले थे उन्होंने सहा है, दुख सहा, दर्द सहा, सिर्फ हमारे सभी के खातिर। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, उसे 39 कोड़े लगवाए गए। इतना दुख, इतनी दर्द, इतनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने सिर्फ हम सभी के लिए लिया। जो सजा सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया। हमारा परमेश्वर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हो गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, जो हम सभी से कितना प्रेम किया। मेरे प्रियजनों, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से बहुत प्रेम किया है, उसने दुख उठाया, दर्द उठाया, पीड़ाएं उठाई। मेरे प्रियजनों, है ना, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वह महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है, सृष्टिकर्ता मालिक है हमारा प्रभु, ठीक है। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यदि दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, उदासी में है, बेचैनी में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोंछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, वह दूर करने वाला परमेश्वर है, जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। हम सभी को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है। यीशु मसीह का वचन कहता है, हर एक मनुष्य को यीशु मसीह के पास आने के खातिर उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है हमारे जीवन में काम करेगा, हमारे कामों को सफल करेगा हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, जो हम सभी से पाप प्रति गुना हुआ है, तो आज यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बोलना है, किसी मनुष्य से नहीं छिपाना है, परमेश्वर से बताना है, किसी मनुष्य के सामने नहीं बोलना है, आपको यीशु मसीह से बोलना है, यीशु मसीह के सामने हमें नहीं छिपाना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हम मनुष्य से छिपके पाप कर सकते हैं, परमेश्वर से छिपके पाप नहीं कर सकते हैं। यदि अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को छोड़ेंगे, गुनाहों को मानेंगे, तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर हम सभी के अपराधों को माफ़ करेगा, क्षमा करेगा, ठीक है, क्योंकि उसी के पास क्षमा का अधिकार है। वह इन सभी के पापों को, धर्मों को, गुनाहों को क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियजनों, क्षमा का अधिकार है हमारे प्रभु के पास, ठीक है। मेरे प्रियजन, आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत है, तकलीफ है, समस्या, तंगी है, गरीबी है, परेशानी है, तो आज आपको घबराना नहीं है, अपने हालातों से घबराना नहीं है, आज आपको परमेश्वर से बोलना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बोलना है। यदि आपके जीवन में शैतान काम करता है, आपके घर में, परिवार में, बीवी बच्चों में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, जो दुष्ट के बंधन है, जो दुष्ट के लगे बंधन है, आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगे, जल जाएंगे,
जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बस हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि हर एक मनुष्य को विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पास आने के खातिर से विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है हमारे जीवन में, हमारा काम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में काम करेगा हमारे प्रभु। ठीक है, हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास करने की आवश्यकता है। वो महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हम सभी के दुखों को दूर करेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बातों को, तुम्हारे हृदय की बातों को जानता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, मैं जानता हूँ, मैं पूरी करूँगा। अपना बोझ, अपनी बीमारी मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर को हम सभी का ध्यान है। यीशु मसीह हम सभी के आंसुओं को पोछना चाहता है, यीशु मसीह मेरे दुखों को दूर करना चाहता है, यीशु मसीह हम सभी से बात करना चाहता है, परमेश्वर मेरे दुखों को दूर करना चाहता है, परमेश्वर हम सभी के पापों को क्षमा करना चाहता है। बस हम सभी को विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना है कि यीशु मसीह है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा तुरंत है, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने मूर्तों को जिलाया, जिसने अंधों को दृष्टि दिया, जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जिसने अंधों को दृष्टि दिया, जिसने बहरों को सुनने की सामर्थ्य दिया, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियजनों, वो हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना, प्रार्थना प्रार्थना को काट पीट के नहीं सुनते हैं ना देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता महान है प्रभु, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की योवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक है प्रभु। मेरे पिता जो आपने मेरे पिता हम सभी को प्रभु जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के अंदर छिपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु कि न ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कि न मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे पिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे समय जो आपने मेरे पिता हम सभी का यीशु पापा नाम लेके बुलाया है, नाम लेके पुकारा है, इस संसार से चुना है, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु पापा आपने कहा अपने वचन के माध्यम से, मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें माता के गर्भ से चुना है, तुम मेरा ही है पिता आपने कहा। मेरे प्रभु आपने कहा मैंने तेरा नाम, अब तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है मेरे पिता, इतना प्रेम पिता आपने कहा है, आपने कहा जो तुम्हें छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है पिता, आपने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया पिता हम सभी से प्रभु, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई अपने मोबाइल पे सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे प्रभु, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, गरीबी को, बीमारी को लेकर पिता सीरियस हैं, एडमिट हैं पिता, खतरनाक बीमारी में जूझ रहे यीशु मसीह, आपके नाम से पिता मसीह भाई चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजादी को रिसीव कर बोल कर आमीन। अबलाबा शबलाबा शिखलाबा शिवलाबा, आजादी को रिसीव कर बोल कर आमीन। आपके बंधन टूट रहे हैं, आप बीमारियां जा रही हैं समस्या के नाम से, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को नया करेगा, पवित्र आत्मा आपकी बीमारियों को दूर करेगा, हमें विश्वास करना है परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियजनों, मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह भवन पिता गरीबी पिता, जो कमाने वाले नहीं है पिता, जो 100-200 रुपये पर पिता, 1000 रुपये पर पिता अन्य जैतो सुधार लेने पिता सहायता ले रहे हैं प्रभु, मेरे पिता किसी अन्य जैतों के हाथ ना फैलाने पाए यीशु पापा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे मेरे पिता। हम मांगते हैं, ढूंढते, खटखटाते हैं पिता इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनकी गरीबी को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को दूर करें पिता, इनके घरों के ऊपर सूर्य के घरों के खुल जाए पिता, बंदस से खुल नहीं पाए, अबलबा शबलबा शिखलबा शिवलबा, कोई बंदस से खुल जाए, ओपन द डोर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुने पर विश्वास का सुने पिता, लास्ट में आमीन बोलते हुए रिसीव करें पिता, जिनके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है पिता नहीं बनता है प्रभु, जो शैतान, जो दुष्ट, जो गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं पिता इनके जीवन में काम करती पिता, विधर्म फूट दाह मतवाला पंडाल के रखे पिता, वे फिट फूट विधर्म पिता दूर हो जाए पिता, इसरा क्रोध विरोध फूट विधर्म दूर हो जाए, इनके जीवन में प्रेम आने पाए पिता, जैसा प्रेम आपने किया पिता वैसा प्रेम आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य से, हर गंदी आत्माएं, बद्रुह आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं भाग जाए,
भाग यीशु मसीह के नाम से, भाग यीशु मसीह के नाम से। पिता महान प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती थरथराती पिता, उनकी औकात नहीं प्रभु आपके सामने खड़े रह सके। पिता आप इनके जीवन को पिता बदलिए, पवित्र आत्मा चेंज कीजिए, चेंज भी पवित्र आत्मा जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जो मसीबत बीमार पिता, हताश निराश है पिता, टेंशन डिप्रेशन में चले गए पिता, रोने भी लग रहे हैं, चिल्ला रहे पिता, इनका रोना भी लखना चिल्लाना बंद हो जाए, बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जो रात में मसीबत में नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता है पिता, जिन्हें भय लगता है प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से ना डरना पिता। मुझे आशा विश्वास से पिता अपने प्रण को सुन लिया पिता, स्वीकार कर दिया पिता, स्वीकार किया प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।